मथुरा के राया में 21 दिन के लिए संपूर्ण भारत लॉकडाउन को लेकर मेडिकल, परचूनी फल विक्रेता, दूध दही विक्रेता एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा भारत में लॉकडाउन का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए धारा 144 लगने के बाद भी कोई भी दुकानदार प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर रहे हैं, जिस पर थाना राया कस्बा प्रभारी भोजराज अवस्थी द्वारा राया कस्बे में सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे स्थानीय लोगों पर कड़ाई से पेश आते हुए लोगों को दौड़ाया, वही व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कस्बा प्रभारी को एक बुजुर्ग महिला उन्हें रोते हुए मिली और कहा उसके यहाँ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कस्बा प्रभारी ने उस महिला को समझाकर खाने पीने की पूरी व्यवस्था की, कुछ सब्जी विक्रेताओं को समय का ध्यान रखने एवं उचित मूल्यों पर फल बिक्री के लिए निर्देशित किया, साथ ही लोगों को कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए कहा। देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, मार्केट में निकलने पर अगर किसी संक्रमित के संपर्क में आ गए तो फिर कोई रोकथाम नहीं हो सकती। इससे घर में रहे परिवार के साथ रहे, पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। वहीं कुछ सामान विक्रेता सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर जन्हें कड़ी हिदायत देकर समझाते हुए कहा, प्रशासन के बार बार समझाने के बाद भी दुकानदार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्यार से न माने तो पुलिस कार्यवाही की जाएगी। दौड़ के यार इतनी मेहनत कर रही हो और भारत लॉकडाउन को लेकर ये पब्लिक क्या है? इसमें बाजार में कुछ लोग अनावश्यक रूप से देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, आगे हवा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, आगे हम देखें बाजार की स्थिति क्या है। ऐसे लोग बाजार के लिए दुश्मन है। बाहर से आने वालों की तो मजबूरी है कि वो सामान खरीदने आते हैं, लेकिन बाजार में जो शहर के लोग खड़े हो जाते हैं उनको दौड़ाने के लिए मैंने दौड़ लगाई थी। मेरे दौड़ते ही वो सारे लोग अपने आप अपने घरों में घुस गए, बाजार की भीड़ खत्म हो गई। यही मेरा उद्देश्य था। नगर पंचायत ने आदेश किए हैं, ये सब्जी की दुकानें गलियों में घूमी फिर भी यहाँ लग रही है रोड पर, नगर पंचायत से बात नहीं। हाँ, नगर पंचायत ने आदेश किया था कि सब्जी की दुकानें गलियों में घूम घूम के बेचेंगे, परंतु कुछ किसान लोग मूड का धर के सर पर रख के जो लाते हैं यहाँ रख लेते हैं भूलभर, उनको हमने हटवा दिया है और वो भी अब गलियों में घूम घूम कर ही बेचेंगे। अब सब्जी मंडी में कोई फुटकर की दुकान नहीं लगी है, सभी गलियों में बेचेंगे।